अल्हम्दुलिल्लाह आल मालिकों ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से एक गोश्त जमा करके तकसीम करने का काम 23 सालों से हम लोग कर रहे हैं, और मरहूम इखलाक बिल्डर और उनके कुछ साथी इमरान भाई माने और भी बहुत साथी है, सब लोगों का नाम नहीं ले सकता मैं, और ये लोगों ने स्टार्ट किया था इस काम को और आज 23 साल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दिन है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1200 घरों में गोश्त आज के दिन तकसीम हुआ है अभी तक के, और भी अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बांटने की जो जगह है वो हीरापुरा लब्बैक के पीछे नेशनल पेट्रोल पम्प के पीछे, ऐसे तकरीबन रज़ियाबाद, ऐसे तकरीबन 8-10 जगह हम लोग आज हमारे साथी एजाज एमआईसी सफीक बॉक्सर और भी उनके साथी जितने भी हम लोगों के साथ लगे हुए हैं इमरान भाई और जो भी साथी है ये सब लोग आज दिन भर से लगे हुए हैं। ये मरहूम इखलाक बिल्डर और उनके साथी लोगों ने ये सोचा था 23 साल पहले और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, इसलिए कि आल मालिकों ब्लड डोनर ग्रुप जो है मेडिकल लाइन से काम करता है ज़्यादा, तो ये लोग दूर दराज बस्तियों में एरियों में जाते थे पेशेंटों के मामलात लेकर, ब्लड डोनेशन जो होता था उस मुतालिक, तो वहाँ पर ये सब बातें जब निकलती थी कि गोश्त पहुँचता नहीं है, फिर ये तमाम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया और आज तक ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 3 दिन ईद बासी तिवासी 3 दिन तक के हम लोग यहीं पर रहते हैं सुबह से शाम तक और ये खिदमत अंजाम देते हैं, और हम लोग मालेगांव के जो भी लोग कुर्बानी करते हैं उनसे अपील करते हैं कि भाई कभी वो लोग पहुंच नहीं पाते, गोश्त बांट नहीं सकते या किसी वजह से नहीं जा पाते, वो हमको फ़ोन करे या यहाँ लाकर पहुँचाए, हम लोग पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, पहुँच कर बाँटेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आल मालेगांव ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी आज शानदार 23वां साल है और हम लोग गट नंबर 81 की तरफ रज़ियाबाद के थोड़ा सा आगे मस्जिद फैज़ान जमाल की तरफ, यहाँ 25-30 घर दिख रहा है, इस घरों में हम गोश्त तो आल मालेगांव ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से गोश्त तो तकसीम करने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये पूरा घर होने के बाद अभी जो कुछ गोश्त तो और जमा हुआ होगा वो हम वापस लेकर आएंगे और जितना घर बचा है इस घर में तकसीम करेंगे।